आप बैठ पाएंगे? आप पहले बैठ के देखिए, आप बैठ पाएंगे कि नहीं उसके बाद। अरे यार अचानक बारिश शुरू हो गया। तो एक कस्टमर का तो बुकिंग मिला, पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं, कॉल करना पड़ेगा अब यहाँ से। पिकअप देखते रहता हूँ कितना, 2.3 किलोमीटर का पिकअप है। ओके नो प्रॉब्लम, बट जेन्युइन ऑर्डर होना चाहिए। ओके कॉल करता हूँ, अगर कॉल एक्सेप्ट किया तो ठीक है, वरना मैं समझ जाऊँगा ये भी फेक ऑर्डर है। कस्टमर से बात हो गया, कस्टमर ने कहा उनको एयरपोर्ट में जाना, एक्चुअली वहाँ पे वो काम करती है, तो चलते हैं उनको पिकअप करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों कस्टमर के लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, आई होप यहीं पे लोकेशन हो, कहीं पे अराइव करते हैं। अरे यार साड़ी पहनी है, बैठ पाएगी? आप बैठ पाएंगे? हाँ मैं भी वही सोचा कि आप बैठ पाएंगे, अब एक साइड होकर बैठना होगा। आप पहले बैठ के देखिए, आप बैठ पाएंगे कि नहीं, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। इसके ऊपर पैर दे के चढ़ जाइए, बैठ जाएंगे ना? बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए पहले आप, ठीक है। हाँ हाँ वरना वहाँ पे तो चेकिंग होता ना, ऐसे पहन लीजिए ना, इस तरह से घुस आ गया। दबे आप चलिए, हम कुछ नहीं होगा अपने अब लिए। मान जाइए बात, वरना वो डायरेक्ट ऑनलाइन फाइन दे देता है। धीरे से घुसा लीजिए, बड़ा हेलमेट है, दिक्कत नहीं होगा। हाँ मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम से चेक कीजिए, वहाँ पे शो करता है एप्लीकेशन में R15 लिखा होगा, अगर होगा ना तो आप वहाँ पे फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। इतना दिन से मैं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। वहाँ पे शो करता है कौन सा बाइक है, ऐसे नहीं है तो पता चलता है वहाँ पे। ओके थैंक यू। तो चलो हो गया, एयरपोर्ट का राइट था, और फर्स्ट टाइम मैं ऊपर में आया, इससे पहले कभी ऊपर की तरफ आया नहीं था। जब भी मैं एयरपोर्ट आता हूँ नीचे की तरफ ही सबको पिकअप एंड ड्रॉप करके जाता हूँ, बट अभी फर्स्ट टाइम पहली बार मैं ऊपर की तरफ आया हूँ इस साइड में, क्योंकि इधर एक्चुअली बाइक अलाउ नहीं करता ना इसीलिए। बट ये एयरपोर्ट के स्टाफ थे जिस वजह से अलाउ किया, तो आ पाए वरना नहीं आ पाते। तो चलो अच्छा हुआ, इस साइड में आना भी हो गया, इससे पहले कभी आया नहीं। और देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ना तिरंगा हमारा यहाँ से, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। काश यहाँ पे रुक के दो चार में फ़ोटो क्लिक कर पाता कोई, अगर होता फ़ोटो वोटो क्लिक कर देता तो मज़ा आ जाता यहाँ से, है ना? वाह यार सुपर। तो दोस्तों ये जो कस्टमर थी ना, पहले तो मना कर रही थी हेलमेट नहीं पहनेंगे, मैंने बताया देखिए मैम अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे ना तो सामने चेकिंग होता है, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ चल जाएगा, ऑनलाइन पकड़ के डायरेक्ट फ़ाइन दे देता है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बताया कि प्लीज़ पहन लीजिए हेलमेट, काफ़ी बड़ा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, तब जाके उन्होंने फिर हेलमेट पहना। तो कभी कभार दोस्तों ऐसा कस्टमर भी मिल जाते हैं जो हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं, बट अगर नहीं पहनेंगे उससे आप ही का नुकसान होगा। ओके तो कोशिश करना हमेशा हेलमेट पहनवा के उसके बाद अपने बाइक पे बैठाने के लिए, वरना कई बार क्या होता है कि कस्टमर हाथ में तो हेलमेट ले लेते हैं लेकिन पीछे क्या लेके बैठे रहते हैं, पहनते नहीं है। ओके तो उस टाइम भाई पहले हेलमेट पहलवाने ला, अच्छे से पहन लेगी उसके बाद फिर बाइक पे बैठा।
কোথায় যাবেন? নারায়ণপুর যাব। নারায়ণপুর। ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওটিপি 1889। ওকে গৌরঙ্গনগর না? উধর ही है ना? हाँ ठीक है। केशवपुर है, ठीक है। कभी कभार कंफर्म कर लेना चाहिए, कभी कभार इधर उधर हो जाता है तो फिर दिक्कत होगा ना। एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ, पता है क्या किया? उसको जाना था हावड़ा लिलुआ की तरफ, ठीक है, उसने लोकेशन डाल दिया न्यू टाउन के तरफ का। अब मैं थोड़ा देर जाने के बाद थोड़ा सा बोल रहा है कि इधर हमने इधर से तो रास्ता है नहीं, इधर से जाने का बहुत घूम के जाना होगा। फिर मैं पूछा आपको कहाँ पर जाना है, फिर वो बताया लिलुआ हावड़ा की तरफ। फिर बाद में फिर मैंने उनका ड्रॉप लोकेशन चेंज किया, वरना फिर दिक्कत हो जाता। फिर मैं तो लोकेशन देख के जा रहा था, 2-4 किलोमीटर चल गया था, फिर बार बार बोला भैया इधर लीजिए, इधर से जल्दी पड़ेगा। हाँ ये रास्ता इधर है, उधर से कैसे चल जाए? तब से ना मैं सबसे पूछ लेता हूँ कि हाँ इधर एड्रेस सही है ना। नहीं गलती हो ही जाता है कभी कभार, समझ में नहीं आता है, या फिर एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम होता है कभी कभार तो पता नहीं चलता है। আপনার কি নাম আছে? ওকে ওকে। কোথায় যাবে? হ্যাঁ বালি। আরে আরে কিধার হ্যাঁ বলে তো দেওয়া, লেকিন আরে ইয়ার এই বৃষ্টি কোথার দিনে গেল হঠাৎ করে? আরে ইয়ার অচানক বারিশ শুরু হয়ে গিয়া, এসে হতো গিয়া। দোস্ত অভি টাইম হল 8:24, আমি ইস ভাইয়া কো ইয়াহ পে উতারা, और जैसे उतारा वैसे अचानक पता नहीं कहाँ से बारिश स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ भी ऐसा भी फील नहीं हुआ, जैसे बारिश आने से पहले हवा हवा चलता है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, अचानक बारिश आ गया। और यहाँ पे अभी फंसे हुए, भैया बोल रहे कि घर की तरफ ही जाना है, मध्यम ग्राम जाना है ना, तो भैया बोले ऑफलाइन ही चल जाएंगे लेके, तो 10 मिनट यहाँ पर रुक, इनका काम है कुछ, उसके बाद फिर लेके चल जाएंगे। घर की तरफ का राइड मिल जाएगा, अच्छा हुआ, क्योंकि 8:30 बज रहा है और घर की तरफ का मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इससे अच्छा अभी चल जाओ, फिलहाल बारिश में भी फंस गया हूँ मैं तो। उसके बाद दोस्तों लगातार बारिश हुआ, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुका, मतलब मैं वहाँ पे आधा एक घंटा तक रुका था और उस टाइम ऑफलाइन हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन होके भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बारिश में अगर राइड भी आता तो मैं जा नहीं सकता था, तो ऑफलाइन हो गया था। और भैया का कुछ काम था वहाँ पे, तो काम होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे कि बारिश रुके तो निकले, बट उसके बाद फिर लगातार बारिश हुआ तो फिर कैमरा खोल के रखना पड़ा। और वहाँ से भैया का जो लोकेशन था जहाँ पे उनको जाना था, वहाँ से 18 किलोमीटर था, उसके लिए मुझे 200 रुपये दिया, जो कि मेरे घर के तरफ का ही राइड था। ओके, तो इसीलिए मैंने उस टाइम ऑफलाइन लेके आया। तो जो मेरा टोटल रनिंग था ना ऑनलाइन, 6 ऑर्डर मुझे मिला रैपिडो से बैक टू बैक, शाम के 5 से लेके रात के 8:30 बजे तक। तो 6 ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने अर्निंग किया 272 रुपये। और 7वां जो ऑर्डर था भैया को वापस मैं अपने घर की तरफ जो लेके आया, उसके लिए भैया ने मुझे 200 रुपये दिया था, 18 किलोमीटर था। तो टोटल जो मेरा अर्निंग हुआ ना 472 रुपये टोटल अर्निंग हुआ। और जो बाइक मेरा चला है ओनली 62 किलोमीटर मैक्सिमम मेरा बाइक चला है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा, कुछ भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके
लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला जो ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट और फेस्टिवल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।